फ्रेंड्स, इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। वृंदर फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बड़े आसानी से किस तरीके से फॉर्म नंबर 10D, जी हाँ फ्रेंड्स, पीएफ के पेंशन के लिए, मंथली पेंशन के लिए फॉर्म फिल किया जाता है, जो कि आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भी जाना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में इसके लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है यूनिफाइड पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये ही टाइप कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिफाइड पोर्टल का मेंबर पोर्टल, ये वाली वेबसाइट को ही आपको ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है आपके मोबाइल फोन में। अब आपको यहां पे थ्री डॉट पे सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप साइट कर लेना है। देखिए बिल्कुल कंप्यूटर की तरफ देखने को मिल गया, सब बराबर सब कुछ हट गया है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स, यहां पे आपको यूएन नंबर एंटर कर लेना है। जी हां फ्रेंड्स, यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद से साइन इन कर लेना है। फ्रेंड्स, यहां पे हमने यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिया, साइन इन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सफलतापूर्वक हम साइन इन हो चुके हैं। अब यहां पे लेटर कर देंगे और उसके बाद से फ्रेंड्स, यहां पे सबसे ऊपर की साइड आ जाना है और आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है। जी हां फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सबसे ऊपर, आपको इस पे ही सेलेक्ट कर लेना है। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं क्लेम फॉर्म 31-19-10C-10D। जी हां फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 31-19-10C हम पहले भर के देख चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भैया 10D के बारे में, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा, आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आपको एंटर करना है वो आपके यूएन पोर्टल पर लिंक है, वो ही एंटर करना है। उसके बाद से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखिए यस कर लेंगे, आपका प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे, यहाँ पे जूम कर दीजिए थोड़ा सा और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद से सबसे नीचे की साइड आ जाना है, यहाँ पे लिखा है आई वांट टू अप्लाई फॉर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें फ्रेंड्स फॉरन नंबर 19 देखने को मिल जाएगा, 10C देखने को मिल जाएगा, 10C स्कीम सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, फॉरम नंबर 10D। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मंथली पेंशन के लिए ये वाला फॉरम अप्लाई किया जाता है, ये वाला ही अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी फॉरम देखने को मिल रहे हैं इन सबको हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मंथली पेंशन 10 फॉरम 10D को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर में हमने 10D सेलेक्ट कर दिया है मंथली पेंशन। उसके बाद से आपको देखने को मिल रहा है टाइप ऑफ पेंशन क्लेम, आपको देखने को मिल जाएगा ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डिटेल्स ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई अवेलेबल हो, अब काफी लोग पूछते हैं सर यहाँ पे क्या करना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो उनके लिए, काफी लोग जो भी कई सारे कंपनियों में काम करते हैं लेकिन फ्रेंड्स कंपनी छोड़ने के बाद वो पेंशन का पैसा नहीं निकालते हैं, उसकी जगह पर वो स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा फायदा होता है पेंशन लेने में। अब फ्रेंड्स, आप भी उनमें से एक हो तो आपको यहां पे पेंशन कहां से, आपने सर्टिफिकेट लिया किस ऑफिस से लिया है, आप मान लीजिए पहले हरियाणा में जॉब करते थे या फिर दिल्ली में जॉब करते थे तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर यह पेंशन सर्टिफिकेट पर आपका लिख के ही आता अगर आप भूल चुके हो तो। अब देखिए यहां पर किसी और का आप फिल कर रहे हैं तो पेंशन सर्टिफिकेट अगर वो दे रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आ जाता है। मैं आपको बताता हूं क्या मिलाना है, जैसे मैं यहां पर हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूं, चलिए पंजाब सेलेक्ट कर लिया, चलिए पंजाब कर लिया। अब पंजाब में यहाँ पे कितने ऑफिसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑफिस आप सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे आपको चलिए लुधियाना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए उनका जो भी पेंशन सर्टिफिकेट है उस पर LD LDH लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद ये लुधियाना का है, आप लुधियाना का ही सेलेक्ट कर रहे हैं, सही सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 डिजिट का जो भी न्यूमेरिक नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो भैया आप एक बार ऑनलाइन सर्च कर लो उनके सर्टिफिकेट में जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि मान लीजिए LD LDH आप सर्च करेंगे तो ये गूगल में आपको दिखा देगा कि ये कौन सा ऑफिस है, वो वाला ऑफिस ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स, इसमें डेडिकेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो भैया चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन से ऑफिस का क्या कोड है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिला डिफॉल्ट पेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे डाउट होता है, मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ कि ये क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफॉल्ट पेंशन जो है वो आपको देखने को मिला है केवल दो ऑप्शन,
यस या नो। अब डिफॉल्ट पेंशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये डिफॉल्ट पेंशन ये होता है, जनरली आप जब भी पेंशन लेते हैं तो 58 साल के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको नॉर्मल पेंशन मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि भैया अभी एक दो साल और जाने दो, अभी पेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है, तो फ्रेंड्स अब इसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके लिए आपको EPFO फायदा देता है। अगर आप एक साल बढ़ाते हैं यानी 59 साल करते हैं तो आपको 4% एक्स्ट्रा बढ़ के मिलेगा। मान लीजिए कि 1000 रुपये मिलने वाला है तो 1040 रुपये मिलेगा, और यदि एक साल और बढ़ाते हैं तो 4% और बढ़ जाएगा यानी 8% बढ़ जाएगा, यानी 1080 रुपये मिलेगा। अब ये 1080 रुपये नहीं है, मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूँ, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी सर्विस पर कितना पैसा मिलने वाला है, कैलकुलेशन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप केवल एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यस करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे की साइड देखने को मिल जाएंगे डिफॉल्ट में, जो मैंने साल बता रहा था ना मैं 59 साल 60 साल, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए डिफॉल्ट पेंशन एज किस एज के लिए आप करना चाहते हैं, 59 के लिए तो भैया 4% मिलने वाला है, और 60 के लिए तो 8% मिलने वाला है। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद डिफॉल्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन जी फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का पेंशन 58 साल के बाद बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके ये बताते हैं कि भैया मेरा कंट्रीब्यूशन भी जमा हो रहा है या फिर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए ही यहाँ पे EPFO ने ऑप्शन दे दिया है। आप देख सकते हैं डिफॉल्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो आप देखते हैं विथ कंट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूशन आपको जमा हुआ है, विदाउट कंट्रीब्यूशन यानी 58 साल के बाद कंट्रीब्यूशन जमा ही नहीं हुआ है और आपने बढ़ाया भी है, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम नो कर देंगे, ये 58 साल पे ही ले रहे हैं। अब उसके बाद से फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, आपने अगर जो भी नॉमिनेशन ऐड किया हुआ है, जितने भी पर्सन किया हुआ है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका रिलेशन क्या है उनसे। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंप्लॉई एड्रेस। जी फ्रेंड्स, इंप्लॉई का एड्रेस एंटर करना है, ये आपको एज पर डॉक्यूमेंट एंटर करना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि भैया एज पर डॉक्यूमेंट करना है या फिर करेंट करना है, लेकिन आप जब भी ये फील करो आपको एज पर डॉक्यूमेंट ही एंटर करना है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल्स। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लोग जैसा पूछते थे हर एक वीडियो में कि सर पेंशन के लिए कौन कौन से बैंक में हमारा खाता होना चाहिए, तो भैया इसी वीडियो में सारा कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ही दिखाएगा, तो मैं यहाँ पे होम टाउन का कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पंजाब का कर लेता हूँ, अब मुझे पंजाब में पता नहीं है कि कहाँ कहाँ होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए ये जो भी बैंक है ये आपके होम टाउन में ही होना चाहिए, उसमें ही खाता होना चाहिए, और कौन कौन से बैंक में होना चाहिए आप देख सकते हैं। जैसे ही बैंक वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो भैया इसमें लिस्ट पूरी दिख जाएगी। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक में कर सकते हैं, HDFC बैंक में कर सकते हैं, ICICI बैंक लिमिटेड में कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक कर सकते हैं, भैया यहां पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक की लिस्ट है EPFO की तरफ से। आने वाले समय में और भी इसमें कुछ चेंजेस होता है तो मैं नई वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं इनमें से कोई बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। कोई भी अकाउंट नंबर एंटर कर लीजिए, देखिए अकाउंट नंबर आप यहां पे कुछ भी गलत भी एंटर कर देंगे तो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं चलेगा। मैंने इसलिए बोला है कि आप यदि सोच रहे हो कि भैया मैं सही डालूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो भैया गलत डाल दोगे तो एक्सेप्ट हो जा रहा है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी, आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं IFSC कोड आपको बिल्कुल ठीक ठीक एंटर करना है, मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं SBIN 000123 16761, मैं कुछ भी यहां पे एंटर कर लेता हूं, यहां पे रैंडम मैंने एंटर कर लिया है, ये ऑटोमेटिक फैच होकर के आएगा। देखिए गलत एंटर करेंगे तो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं इंटर वैलिड IFSC, यहां पे कुछ ना कुछ गलत हो ही गया है, 00 यहां पे एंटर करना है, मैंने 000 कर दिया। फ्रेंड्स यहां पे हमने IFSC कोड एंटर कर लिया, देखिए IFSC कोड अगर गलत आप एंटर करेंगे तो यहां पे वेरीफाई नहीं होगा। देखिए हमने एंटर कर लिया, अगर आप यहां पे एक बार गलत एंटर करते हैं फिर से सही एंटर करेंगे तो भी यहां पे नहीं लेता है, तो आपको सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहां पे ब्रांच बैंक का नाम आ जाएगा कौन सा है, ब्रांच कहां पे है वो देखने को मिल जाएगा, स्टेट देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पे आपको देखने को मिलेगा भैया आपको स्कैनड कॉपी ऑफ चेक बुक या फिर पासबुक, दोनों में से एक ही आपको अपलोड करना है, ये JPG JPEG में ही होना चाहिए, 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अब फ्रेंड्स उसके बाद से अगर ये ऐसा नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका IFSC कोड नेम और बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक ठीक दिखना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे नीचे की साइड आ जाएंगे, चेकबॉक्स में आपको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से गेट आधार OTP कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो आपके जिस भी फाइल में आपका है वो यहाँ पे अलाउ कर दिए पहली बार कर रहे हैं, तो उसके बाद से जिस भी फाइल में है वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बिल्कुल ठीक ठीक एंटर कर लिया है, उसके बाद सबसे नीचे की साइड आपको आना है और यहाँ पे चेकबॉक्स में हमने सेलेक्ट किया है और गेट आधार OTP कर देना है। उसके बाद से आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के पम में OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स इनके
केस भी मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब आप इसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और ट्रैक क्लेम स्टेटस चेक कर लेना। जी फ्रेंड्स, यहीं पे आपको स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रैकिंग आईडी, फॉर्म, किस टाइप का आपने फॉर्म फिल किया है। तो भैया, हमने फॉर्म 10D फिल किया है, वो आप देख सकते हैं। कब आपने पोर्टल पे सबमिट किया वो देखने को मिल जाएगा। आपके फील्ड ऑफिस पे कब गया वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी स्थिति भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा है। जी फ्रेंड्स, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है ना, तो भैया अब तो आप अपने मोबाइल फोन से बड़े ही आसानी से फॉर्म नंबर 10D अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मंथली पेंशन के लिए होता है, पीएफ के पेंशन के लिए होता है। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने कहीं भी इस वीडियो किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया और अभी भी आपके पास डाउट है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करता हूं, आपका काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए पहली बार विजिट किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।